हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आर सेशन इज सोनाली जैन और आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कुछ पैडागोजिकल एम जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं तो आज हम लोग यहाँ पर सेशन वन कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है कुछ क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन हम लोग कम्प्लीट करेंगे जो मेन मेन टॉपिक है क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम आने वाला है ना बहुत ही कम समय बचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जिसकी प्रॉबेबिलिटी बहुत ज्यादा है या प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर देखें तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर एक बार से इसको चेक करिए और आंसर बताइए सेशन हमारा बाइलिंग है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी हिंदी और इंग्लिश में समझने में फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल आर बोर्न विदाउट बिल्ट इन मेंटल कंटेंट एंड देर फॉर ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और परसेप्शन दिस नोशन इज रिफर्ड टू एस यानी कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होता है ठीक है कोई भी मेंटल कंटेंट उसके अंदर नहीं होता है और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं जितना भी नॉलेज है वो अनुभव एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा या जितना भी उसने अपना परसेप्शन बना रखा है उसके थ्रू आएगा इस धारणा को क्या कहा जाता है टेबुला नोटा कहा जाता है मासूम नोटा टेबुला रास कहा जाता है मासूम मनास्तदी टेबुला प्राइमस मासूम पहला कहा जाता है या फिर टेबूला नोवस यहाँ पर इसको कहा जाता है तो देखो इसमें पूछा गया कि व्यक्ति जो है बिना किसी मानसिक प्रकरण के मतलब उसके पास पहले से कुछ एबिलिटी नहीं होती है सभी ज्ञान जो है अनुभव या धारणा के थ्रू जैसे जैसे वो चीजों को देखता जाएगा वो वहां से सीखता जाएगा उसका पहले से ऐसा कुछ नहीं होता है मतलब एक तरीके से वो वाली चीज होगी ना कंप्लीटली ब्लैंक उस बच्चे के दिमाग में अभी कुछ भी नहीं है एक स्टेटमेंट यदि हमने सुना है तो बच्चा कोरी स्लेट की तरह होता है 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 है। है, है? ना? तो तो ये kind of वही statement है जिसको एक एक दी गई तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो क्या टैबुला तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मासूम मन स्तरी यहां पर इसको बोला जाएगा ठीक है क्या बोला जाएगा टेबूला रास ओके चलिए क्वेश्चन नंबर टू पर चलते क्वेश्चन नंबर टू को देखिएगा एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के दस अंकों को तीन से चार अंकों में बांट कर याद करने को कहती है वो क्या बोलती है कि तुम इन दस नंबर को याद नहीं कर सकते तो उसको तीन से चार टुकड़ों में बांट दिया है अध्यापिका द्वारा ये सुझाई गई रणनीति क्या है इसको चंकिंग यानी कि खंडीकरण बोला जाएगा ये एनकोडिंग है ये एसिमिलेशन है या फिर ये एडेप्शन की प्रोसेस यहाँ पर हो सकती है देखो क्या बात बोली गई जैसे हम लोगों को किसी को भी फ़ोन नंबर याद करना होता है तो हम लोग दस डिजिट ऐसे करोड़ लाख दस लाख करके नहीं बोलते हैं ना नौ करोड़ दस लाख ऐसे करके नहीं बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं जैसे कि कोई भी एक नंबर हो गया तो एट डबल सेवन जीरो इतना सा एक पार्ट याद कर लिया फिर जीरो एट जीरो ये सेकंड पार्ट हो गया फिर थ्री एट ऐसे करके हम लोग तीन से चार पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये चीज़ क्या है इसको मेमोरी की लैंग्वेज में चंकिंग बोला जाता है मतलब जो भी चीज आप याद कर रहे हैं उसको टुकड़ों में बांट कर पढ़िए है ना उसका खंडीकरण मतलब प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन देखे तो खंडीकरण इसको बोला जाएगा और चंकिंग इसको हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ को अगर आपको याद करना है ना जैसे कि हम लोग कोई भी फॉर्मूला वगैरह भी याद करें कोई भी चीज़ हम लोग याद कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं इतना बड़ा हम लोग याद नहीं करते तो हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो एक एग्जाम्पल पूछा गया था एग्जाम में कि दस अंकों को तीन से चार अंकों के हमने क्या कर दिए छोटे छोटे से ग्रुप बना दिए और उस ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे हैं याद कर रहे हैं तो ये चीज़ क्या कहलाती है खंडीकरण चंकिंग यहाँ पर कहलाती है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा अच्छा ऑप्शन नंबर दो के अंदर ये यदि हम लोग कन्फ्यूज़ हुए कि ये एनकोडिंग क्यों नहीं हुआ तो एनकोडिंग का मतलब होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी शब्द को हमने कोड कर दिया है जैसे कि मैंने मेरा नाम लिखा एस ओ एन ए एल आई है ना तो मैंने कोई मेरा नाम डायरेक्टली नहीं पहचान पाए मैं चाहूँ उसी को ये नाम समझ में आए तो मैं उसकी कोडिंग कर दूंगी जैसे कि कंप्यूटर करता है जैसे सोनाली को उसने जीरो वन जीरो वन ज़ीरो वन ऐसी करके बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है ना जैसे मिलिट्री वगैरह में होता है ना कि वो कुछ भी नाम डायरेक्टली नहीं लेते हैं वो उसको कोड कर देते हैं तो वो एनकोडिंग होती है कि हम लोग उस पर्टिकुलर शब्द के लिए क्या कर रहे हैं कोड का प्रयोग कर रहे हैं है ना आत्मसातीकरण जिन पियाजे और एडेप्शन दोनों ही चीज़ें आपने जिन पियाजे की थ्योरी में पड़ी होगी आत्मसातीकरण किसी भी चीज़ का अगर आपने स्कीमा डेवलप कर लिया है है ना तो वो आपका आत्मसातीकरण हो जाएगा है ना फिर कुछ नई चीज़ आई तो हमारा जो स्कीमा है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि कौन सा सही है तो आपने उसको क्या करा यहाँ पर रिकरेक्ट करा है ना तो वापस से आप क्या हो गए बैलेंसिंग पोजीशन में आ गए तो उसको क्या कहा जाता है अनुकूलन की प्रोसेस यहाँ पर कहा जाता है ठीक है तो ये चारों ऑप्शन हो गए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर वन हो गया चंकिंग हो गया ठीक है चारों चीज़ें क्लियर है ठीक है एक बार से आप क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ जाते हैं चलिए इसको देखिए एक मिनट में पेन यहाँ पर ऑन कर लेती हूँ तब तक आप ये क्वेश्चन नंबर थ्री यदि देख पा रहे हैं एक बार स्क्रीन पर तो क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिए हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री यदि डिस्प्ले हो रहा है देखो पूछा क्या गया निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त तो दृष्टिकोण क्या होता है है ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है ना अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मेथड यहाँ पर क्या होगा गहन अधिगम दृष्टिकोण होगा सरफेस लर्निंग अप्रोच होगा स्ट्रैटेजिक लर्निंग अप्रोच होगा या मेमोरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच यहाँ पर होगा देखो वैचारिक अधिगम की बात हो रही है किसी भी कॉन्सेप्ट को यदि आपको सीखना है कॉन्सेप्ट सीखना मतलब कि कोई भी नई चीज सीख रहे हो उसके पीछे का पर्पस क्या उसके रूल क्या हैं या फिर ये कैसे काम करता है ना तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा डीप स्टडी करना पड़ेगा जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं उसकी डीप स्टडी करते हैं तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डीप लर्निंग अप्रोच हो जाएगा uh, गहन अधिगम दृष्टिकोण अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं चार ऑप्शन को समझते जाते हैं मान लो कभी एग्जाम में ऐसा हुआ कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन से ही एक क्वेश्चन बना दिया तो वो चीज़ें भी आपको हेल्प करेगी तो बेसिकली आप तीस क्वेश्चन नहीं नब्बे अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे ठीक है तो जो भी चीज़ नई लग रही है उसको नोट डाउन जरूर से कर लेना जैसे मान लो एग्जाम में सरफेस लर्निंग अप्रोच का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज सरफेस लर्निंग अप्रोच पृष्ठ अधिगम दृष्टिकोण क्या होता है पृष्ठ अधिगम होता है मतलब आप किसी भी चीज़ को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं जस्ट लाइक न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर आप ऐसा पूरा याद नहीं करते कि आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी इसमें ये ये चीज़ें थी ये कंटेंट इनके द्वारा दिया गया नहीं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन से काम है और बहुत ऊपर से पढ़ना है तो आप जस्ट हेडलाइन पढ़ लेते हैं इसको एक बार एग्जाम में पूछा गया था एमपी टेड का एक एग्जाम एक में पूछा गया था ये इसको पृष्ठ अधिगम दृष्टिकोण को उन्होंने उथला स्तर दृष्टिकोण बोला था पृष्ठ मतलब ऊपर ऊपर का है ना तो उन्होंने ऊपर ऊपर के लिए उथला शब्द प्रयोग किया था उथला अधिगम दृष्टिकोण क्या है है ना तो सिर्फ ऊपर ऊपर से सिर्फ सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दृष्टिकोण होता है सरफेस लर्निंग अप्रोच होता है तीसरा स्ट्रैटेजिक आप किसी भी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपका सामरिक होगा और मेमोरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच स्मृति आधारित अधिगम दृष्टिकोण मतलब स्मृति के बेसिस पर आप किसी लाइक like, चंकिंग हो गया एनकोडिंग हो गया मैजिकल नंबर हो गया आप, सेवन प्लस माइनस टू जिसको हम लोग बोलते हैं है ना कि चीज़ों को या तो फाइव या नाइन के टर्म्स में याद करिए वो स्मृति आधारित में आते हैं कि मेमोरी बेस्ड आप लर्निंग यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें लंबे समय तक या लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर रहे तो वो स्मृति आधारित हो जाएगा ठीक है तो ये चार पॉइंट हो गए इसने पूछा था वैचारिक अधिगम के लिए अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो गहन अधिगम दृष्टिकोण आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ठीक है ये चीज क्लियर हो गई ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर फोर के पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को देखना है विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है कोई भी student exam में fail होता है, तो उसके लिए कौन से दो स्टेटमेंट क्योंकि ऑप्शन को देख कर क्या लग रहा है कि कोई भी दो करेक्ट होंगे या तो बी डी या सी डी या ए बी या बी सी यहाँ पर करेक्ट होगा है ना तो आपको कोई भी दो सिलेक्ट करना है एक सेकेंड ये मेरा पैन नहीं चल रहा है क्या दिक्कत चलिए अब हम लोग शायद और अच्छे से पढ़ पाएंगे है ना यहाँ पर मैं इसको मेंशन भी करती जाऊँगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं कौन सी चीजें यहाँ पर सही है सबसे पहला स्टेटमेंट के पास चलते हैं विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती क्या हम लोग अधिगम को ऐसे समझ सकते हैं बच्चों की असफलता या असफलता को ऐसे समझा जा सकता है क्या कि वो इस जाति का था दैट्स वाई वो फेल हो गया है ना तो हम लोग कभी भी इस चीज़ को कास्ट और कम्युनिटी को फोकस नहीं कर सकते है ना और इसकी वजह से बच्चा फेल हो रहा है ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ दैट मीन्स ए तो क्या हो गया रॉन्ग हो गया ये तो देखने से ही पता चल गया इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं थी विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त तो पुरस्कार नहीं दिया जाते मतलब बच्चों को मीनिंगफुल रिवॉर्ड नहीं दिए जाते दैट्स वाई बच्चा फेल हो रहा है इसको हम लोग होल्ड पर रख सकते हैं वैसे नेगेटिव होगा बट फिर भी होल्ड पर रख सकते कि कुछ नहीं मिला तो ये कर देंगे है ना तीसरा विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो मतलब हम लोगों ने जब उनको लर्निंग करवाई थी वो जो है मीनिंगफुल नहीं थी मतलब जो उनको पढ़ना चाहिए था वो उन्होंने नहीं पढ़ा दैट्स वाई बच्चे क्या होगा एग्जाम में फेल हो गए ये एक वैलिड रीजन है तो हम लोग बोल सकते सी वाला एक प्रॉबेबिलिटी है और चांसेस भी है कि सी वाला होगा ठीक है डी के पास चलते हैं विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्या विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और रुचियों की अभिरुचियों जो है उसका ध्यान नहीं रखते मतलब विद्यार्थी असफल हुआ है बच्चा फेल हुआ है स्टूडेंट फेल हुआ है क्योंकि स्कूल सिस्टम जो है डजेंट टेक इन अकाउंट द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट मतलब जो स्कूल की वजह से बच्चा फेल हुआ है क्योंकि स्कूल जो है बच्चे के इंटरेस्ट का और इसकी आवश्यकता का हर एक बच्चे के इंटरेस्ट और आवश्यकता का ध्यान नहीं रख पा रहा है तो डी बी है सी और डी काइंड ऑफ सिमिलर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि विद्यार्थी असफल हो गए क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाना चाह रहे थे आप लोग उसका प्रयोग हमने यानी टीचर ने नहीं किया है ना तो सी वाला एक पॉइंट हो गया और डी भी सही है कि हर एक स्टूडेंट की आवश्यकता को स्कूल जो है ध्यान में नहीं रख पा रहा है इसीलिए बच्चे असफल हो रहे हैं बच्चे मेहनती हैं लेकिन हम लोग अपनी साइड से ट्राई नहीं कर रहे हैं ये एक आइडियल सिचुएशन हो गई तो सी और डी पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो गए आपके सी और डी दैट मीनस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है देखो आपको पता है सिलेबस चेंज है ना सिलेबस में काफी मॉडिफिकेशन है सब कुछ है तो आप ये चीज भी मानकर चलें कि अभी जो एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाया गया है हमारी टेट एग्जाम्स के लिए ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन रहेगा मतलब डिस्प्ले में क्या होता है एक पूरा क्वेश्चन का सेक्शन होता है और उसके बाद चार ऑप्शन के लिए आपको इस तरीके से बार दिए जाते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है न्यू पैटर्न में कि ऑप्शंस भी आपको क्वेश्चन के साथ ही डिस्प्ले करवा दिए गए हैं और ऑप्शन का जो कॉलम है वो उन्होंने अलग से दिया है कैसे दिया है जैसे ये ऑप्शन हो गया है ना तो अब वो यहाँ पर दे देंगे ऑप्शन वन करेक्ट है ऑप्शन टू करेक्ट है ऑप्शन थ्री करेक्ट है और ऑप्शन फोर करेक्ट है मतलब ये या फिर ये या फिर ऑप्शन थ्री या फिर ऑप्शन फोर अब ये तो चलो बिल्कुल सीधा सा है कि मैंने यहां पर देखा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मैं यहाँ पर टिक करके आ जाऊंगी ऑप्शन बी पे लेकिन इसमें होती है शफलिंग मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इसमें हो जाती है शफलिंग मतलब सबसे पहले आ गया ऑप्शन थ्री ऑप्शन टू ऑप्शन वन और एक और, और यहाँ लिख दू ऑप्शन फोर अब इनमें क्या होता है बनाने वाला वन टू थ्री फोर ही लिखता है लेकिन वो शफल कर देता है ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए आपको बताइए वो वाली चीज़ अब आपको ये भी समझना है कोड वाले क्वेश्चन में कि मेरे दो पॉइंट करेक्ट हुए थे सी ओ डी मतलब यहाँ पर बी वाला करेक्ट है है ना ऑप्शन बी करेक्ट है अब ऑप्शन बी को आप यहाँ पर देखेंगे है ना मतलब वो आगे पीछे होगा तो आई थिंक आप समझ रहे हैं कि मैं क्या मेंशन कर रही करूँ तो ये इससे आपके तीन से चार सेकंड एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लगते हैं क्योंकि यहाँ तक आप समझे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है फिर आप ऑप्शन वाले बार में जाकर ये ढूंढेंगे कि ऑप्शन बी कहाँ पर है कि अभी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप रेडी रहिएगा अभिप्रेरित किया जा सकता है मतलब बच्चों को पुरस्कार के थ्रू मोटिवेट कैसे किया जा सकता है या उनको अभिप्रेरित यहाँ पर कैसे किया जा सकता है ये कौन सी थ्योरी बोलती है ना कौन सा परसेप्शन ये चीज हमें बताता है कौन सा वाला कि प्रलोभन और पुरस्कार की बात मतलब इंसेंटिव और रिवॉर्ड की बात यहाँ पर कौन कर सकता है ठीक है व्यूज ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन दैट टेंजल इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग ये ह्यूमनिस्टिक है मानवतावादी है ये बिहेवियरल है व्यवहारवादी है ये कॉग्नेटिव है ये सोशियो कल्चर है देखो अवॉर्ड और प्रलोभन इंसेंटिव रिवॉर्ड की बात कौन करते व्यवहारवादी करते हैं जैसे स्किनर की बात आपने देख ली पावलाव की देख ली थौ, उसकी की देख ली है ना ये तीनों मेन तो ये तीनों हैं ठीक है और व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है जेबी वॉटसन को माना जाता है ठीक है तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो ये वाली बात करने वाले कौन हैं व्यवहारवादी हैं ठीक है, है चलिए आगे बढ़ते सिक्स की तरफ चलते रूही को तीन पेंसिलें दिखाई जाती है वह देखती है कि पेंसिल क या पेंसिल ए पेंसिल बी से बड़ी है और पेंसिल बी सी से बड़ी है तो उसने क्या करा है यहाँ पर एक निष्कर्ष एक कंक्लूजन पर पहुँची उसने देखा पेंसिल ए बी से बड़ी है पेंसिल बी सी से बड़ी है दैट मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन सी मतलब उसने एक डायरेक्ट रिलेशन निकाल लिया फर्स्ट और लास्ट के बीच में कि क जो है ग से बड़ी होगी जिन भी के संज्ञानात्मक विशेषता की कौन सी चीज़ को ये मैंशन कर रहा है इंग्लिश में भी आप चाहें तो देख सकते हैं आंसर करिएगा ये सीरीएशन है ये कंजर्वेशन है ये ट्रांजेटिव थॉट्स है ये परिकल्पना आधारित दैट मींस हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार और बताइए आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए हम आया आंसर इसका अच्छा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्रमबद्धता और ये शब्द क्या है तो एक बार मैं आपको दो से तीन चीज़ें कवर करवा देती हूँ फिर वापस से एक बार क्वेश्चन पर आ जाएंगे तो यहाँ छः से सात पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे देखो कुछ चीज़ें होती है जब हम लोग रीजनिंग की और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं ना तो एक होता है क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग हिंदी में वर्गीकरण करना बोलते हैं है, है ना क्लासीफाई करना हम लोग देखते हैं ना कि क्लासिफिकेशन कीजिए तो वो क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण करना है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है एबिलिटी टू ग्रुप थिंग्स बाय शर्ट कैरेक्टरस्टिक्स सच एज अ साइज़ और शेप मतलब मैं क्लासीफाई करने को बोल रही हूँ कि साइज़ के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को क्लासीफाई करिए है. है ना मतलब रेक्टेंगल शेप में जितनी भी छोटे बच्चों के ऊपर हम जिन पर आज की थ्योरी लगाएं तो रेक्टेंगल शेप में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे डस्टर हो गया है ना चौक हो गई फिर हमारा बुक हो गई है ना तो ऐसे ही मैंने उसको बोला रेक्टेंगल शेप में जितनी भी चीज़ें हैं स्क्वायर शेप में सर्कल शेप में जितनी भी चीज़ें हैं है ना ट्राइंगल शेप में जितनी भी चीज़ें उन बच्चों को अलग करने को बोला दैट मीन्स मैंने उनको क्या बोला है कि आप क्लासिफिकेशन करिए सच एज शेप के अकॉर्डिंग या फिर उसकी साइज के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है तो वो एक काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होता है सीरिएशन क्रमबद्धता क्या होती है एबिलिटी टू अरेंज थिंग्स इन लॉजिकल प्रोग्रेशन सच एज़ अ फॉर्म ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट मतलब किसी भी चीज़ को क्रम सीरियल से अरेंज करना है ना बड़ी छोटी छोटी इस तरीके से ये सीरिएशन है अब इसी से बिल्कुल मिलता जुलता ट्रांज़िटिव इन्फ्लुंस है या ट्रांजिटिव थाट प्रोसेस बोल लो अब इसमें क्या होता है एबिलिटी टू इन्फर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन निकालना बाय नोइंग देयर रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप टू अ थर्ड मतलब उन दोनों का तीसरे से क्या रिलेशन है इसको देख हम लोग यदि किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसको ट्रांजिटिव इन्फ्लुंस यहाँ पर बोला जाएगा एबिलिटी टू इन्फर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन निकालना बाय नोइंग देयर रिस्पेक्टिव रिलेशन टू अ थर्ड उसका थर्ड से क्या रिलेशन है इस तरीके से अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको सकर्मक विचार या ट्रांजिटिव इन्फ्लेंस या ट्रांजिटिव थाट यहाँ पर बोला जाता है तीन चीज़ें हो गई अब चौथी चीज़ को समझो इससे एक क्वेश्चन अभी अपन ने देखा है ना ट्रांजेटिव थॉट वाला कि पेंसिल ए बी से बढ़ी है एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है लाइब्रेरी वाला कैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज करना है है ना तो प्रॉपर फॉर्मेशन में ए बी से बड़ी बुक है तो यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग या साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप उनको अलग अलग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा ट्रांजेटिव एंफ्रेंस यहाँ पर कहलाएगा अब क्लास की बात कर लेते हैं वर्ग की बात कर लेते हैं ये वर्गीकरण था क्लासिफिकेशन अब हम वर्ग की बात करें एनी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट आर ट्रीटेड एज द सेम इन सर्टेन बेस बिकॉज दे हैव कॉमन फीचर उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होंगे जिसकी वजह से उनको क्या किया जा रहा है अलग अलग किया जाता है अलग कैटेगरी में जैसे कि यूजली क्लासरूम्स में क्या होता है जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं उनको सेक्शन ए में डाला जाता है फिर कुछ कम पढ़ने वाले को सेक्शन बी में फिर बहुत कम या जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करवानी पड़ेगी टीचर को जिनके ऊपर उनको सेक्शन सी में डाल दिया तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया कॉमन फीचर्स के बेसिस पर क्लास डिसाइड कर दी है ना एक वर्ग डिसाइड कर दिया जरूरी नहीं स्टूडेंट के ऊपर और किसी भी चीज़ के ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो ये चार चीज़ें हो गई है ना अब यहाँ पर सीरिएशन तो आपको पता चल गया किसी भी वस्तु के गुण देखकर उसको यहाँ पर सीरिएशन में अरेंज करना ठीक है अब यहाँ पर हम अरेंज नहीं कर रहे थे हमने एक रिजल्ट निकाला दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन सी हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ए सी से बड़ा है दैट मीन्स हम लोग ट्रांजिटिव थाट्स की बात कर रहे हैं ठीक है सीरिएशन में हम लोग करते चीज़ों को अरेंज करने की बात करते अब ये एक और पॉइंट देख लो कंजर्वेशन क्या होता है संरक्षण का नियम क्या होता है देखो संरक्षण के नियम में क्या होता है कि आप चीज़ों को वो जो उलटने पलटने वाली क्वालिटी होती है या फिर किसका वॉल्यूम कैसा है है ना कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है या फिर दो चीज़ें अगर सेम शेप की है तो उसमें से भारी कौन सी है हल्की कौन सी है? रुई और लोहे की बोल में से हल्का कौन सा है भारी कौन सा है तो ये सब क्या होते हैं कंजर्वेशन प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं ठीक है तो ये संरक्षण का नियम हो गया ये आपने अभी सीख लिया ट्रांजेटिव थाट्स क्या होते हैं परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क दैट मीन्स आप परिकल्पना कर पा रहे किसी भी चीज़ की इमेजिनेशन कर पा रहे कि हाँ इसका रिजल्ट ये हो सकता है इसका आउटकम ये हो सकता है तो ये चीजें हैं ठीक है अभी आपसे पूछा गया कि यहाँ से आपको निष्कर्ष निकालना था दैट मीन्स ट्रांजिटिव थाट्स की बात यहाँ पर करी जा रही है ठीक है इतना क्लियर है फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है विदाउट एनी हेजिटेशन चाहे आपको बहुत सिंपल सा ही डाउट क्यों नहीं आ रहा हो अगर आपके मन में है डू कमेंट कमेंट आप जरूर से करिएगा जो भी डाउट है मेंशन करिएगा नेक्स्ट में हम लोग एक सेशन हर एक सेशन के लास्ट में फाइव मिनट का एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें आपके प्रीवियस सारे डाउट्स लिए जाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट सेशन के आने से पहले पहले अगर आपने ये सेशन देखा है तो ज़रूर से आप एक बार कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ लीजिएगा ठीक है ये हमने सीख लिया अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन पर चलते हैं सेवन नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं होते हैं किसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है चेंजेस दैट आर नॉट ड्यू टू द लर्निंग कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू चेंजेस दैट आर नॉट ड्यू टू लर्निंग मतलब कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस जो लर्निंग के कारण नहीं हुए हैं है ना जिनमें अधिगम का कोई प्रभाव नहीं मान लो मुझे फीवर मुझे बुखार आ गया लेकिन उस पर अधिगम का कोई रीजन नहीं है है ना उसके लिए किसको जिम्मेदार आप ठहराएंगे देखो परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है है ना मतलब कोई भी यूजुअली कोई ऐसा चेंजेस आया है जिसके लिए आप किसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते परिपक्वता मैच्योरिटी स्किल्स कौशल सोशल इन्फ्लुएंस, कल्चर इन्फ्लुएंस देखो स्किल सोशल इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस ये तीनों के तीनों लर्निंग की वजह से हैं। मतलब अगर आप अधिगम कर रहे हो तो अधिगम में ये भी हो सकता है कि आपने कोई स्किल सीख लि है ना आपके अंदर किसी प्रकार का कौशल आ गया हो या फिर सोशल इन्फ्लुएंस आपके ऊपर किसी भी चीज़ का सामाजिक प्रभाव पड़ा हो समाज को देखकर आपने नई चीज़ों को सीख लिया या फिर कल्चर से आपने नई चीज़ें सीख ली हो तो तीनों के तीनों लर्निंग है लेकिन मैच्योरिटी अपने आप में डिफरेंट है वो समय के साथ धीरे धीरे आती है है ना हम लोग बोलते हैं कि अभी उसमें वो मैच्योरिटी नहीं है मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक वो उस लेवल का परिपक्व पर नहीं हुआ है जो जैसा कि उसको हो जाना चाहिए था है ना तो ये चीज़ क्या है ये चीज़ है मेचोरिटी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर एट के पास चलते हैं एट को पढ़िए और एक बार आंसर करिए छः से आठ उम्र वर्ग के बच्चों के विकासात्मक कार्य क्या हो सकते है द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू एट दो शब्द बोलना सीखना लर्निंग टू तो स्पीक टू वर्ड वो दो वर्ड बोलने की कोशिश कर रहा है सरल खेलों के लिए शारीरिक कौशल का सीखना लर्निंग फिजिकल स्किल्स फॉर सिंपल गेम्स पढ़ने गणना करने और लिखने के मूलभूत कौशल का विकास करना डेवलपमेंटल और बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग काउंटिंग एंड राइटिंग ठीक है तो आपको कोई भी दो सिलेक्ट करना है कोई भी एक हो सकता है जैसे कि ऑप्शन हमेशा जब ऐसे कोड वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि कौन सा एक या दो करेक्ट है तो ये देख लो या ये क्या बोल रहा है केवल एक करेक्ट होगा या फिर कोई भी दो चीज़ें यहाँ पर इन दोनों इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ या कोई भी एक करेक्ट हो सकती है है ना तीनों तो इसने बोला नहीं है क्योंकि ऑप्शन में है नहीं तो आपको क्या करना है एनी टू और एक कोई एक सिलेक्ट करना है चलिए समझ में आ गया छः से आठ उम्र वर्ग के बच्चों के विकासात्मक कार्य डेवलपमेंटल टास्क क्या हो सकते हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ मेरे बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है डेवलपमेंट में कोई भी डेवलपमेंट हो सकता है फिजिकल मेंटल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल कोई भी डेवलपमेंट हो सकता है क्योंकि उसने ऐसा मैंशन नहीं किया कि वो कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहा है अगर बच्चा छः से आठ उम्र में दो शब्द बोलना सीख रहा है दैट मीन्स ये डेवलपमेंट है दूसरा सरल खेलों के लिए शारीरिक कौशल शीघ्र लर्निंग फिजिकल स्किल फॉर सिंपल गेम्स अगर आप देख लो छः से आठ वर्ष उम्र का जो बच्चा है है ना अगर नॉर्मल कंसीडर करें तो ये लेटर चाइल्डहुड में प्रवेश कर चुका है जीरो से दो अगर मैं इन्फेंसी मानूँ शेषव अवस्था मानू दो से छ अगर मैं यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज मानूँ तो छह से बारह में लेटर चाइल्डहुड हो जाएगा और हमसे पूछा भी क्या गया है छह से आठ वर्ष का बच्चा नॉर्मल कंसीडर करो तो बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज के अंदर है ठीक है तो मेरा बच्चा दो शब्द बोलना सीख रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो किस बीमारी से पीड़ित है क्योंकि अगर बच्चा छह साल में केवल दो शब्द बोलना सीख रहा है ना तो उस बच्चे के अंदर एक बीमारी है अगर आपने इस बीमारी का नाम सुना हो दैट इज जी ग्लोबल डेवलपमेंट डिले ग्लोबल डेवलपमेंट डिले इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर जिसमें बच्चा जो है पाँच साल के बाद उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है पाँच साल तक न वो चल पाता है न वो बोल पाता है मतलब यूजुअली बच्चे एक साल के बाद जो है उनमें थोड़ा बोलने का स्टार्ट हो जाता है वो चलने फिरने भी लग जाते हैं बहुत सारे बच्चे नौ दस महीने भी भी चलना स्टार्ट कर देते हैं ना डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का डेवलपमेंट फास्ट और स्लो रहा है लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिसमें पाँच साल तक आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है मतलब उसकी वो मेंटल एबिलिटी भी होती है ना वो भी बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि ऐसे बच्चे डी से जो पीड़ित होते हैं उनमें पाँच साल के बाद ग्रोथ होती है

अब मेरे पास केवल सी ऑप्शन बच रहा है मेरे पास केवल डी ऑप्शन बच रहा है अब मैं फिर से आगे बढ़ रही हूँ ठीक है सरल खेलों के लिए अगर उसने किसी शारीरिक कौशल को सीखा है लर्निंग फिजिकल स्किल्स फॉर अ सिंपल गेम ठीक है उसने कोई फिजिकल गेम सीख लिया है तो अच्छी बात है तीसरा पढ़ने गणना करने और लिखने के अवधि उसने मूलभूत कौशल को सीख लिया है डेफिनेटली बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट होंगे कि उसको ये वाले कौशल आ गए बेसिक स्किल आ गई रीडिंग काउंटिंग और राइटिंग की

संशोधित करने व चिंतन करने में सहायता करता है इसको आप एक बार अपने हिसाब से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो समझने में समय लग सकता है ना एक बार आप हिंदी में देखिए फिर वापस से अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ अटेंशन हेल्प्स द टीचर टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड द गेप इन लर्निंग मतलब कौन सी चीज़ यहाँ पर टीचर को हेल्प करेगी ताकि वो न केवल बच्चों की के जो लर्निंग में गेप आई है उसको समझ पाए बल्कि मतलब साथ के साथ वो क्या करे आ, यहाँ पर रिव्यू हीज अर ऑन टीचिंग लर्निंग अकॉर्डिंग टू द नीड एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ द चाइल्ड मतलब कि न केवल वो बच्चों की जो लर्निंग गेप है उसको समझ पाए बल्कि साथ में ये भी समझ पाए अपना जो उन्होंने टीचिंग किया है उसको भी रिव्यू कर पाए कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है ये सारी चीजें ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ये असेसमेंट एज एस लर्निंग है ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है या असेसमेंट फॉर प्रमोशन है देखो आपने अधिगम के कई प्रकार पढ़े होंगे है ना उसमें से एक प्रकार के जहाँ पर आप बच्चों के गेप को समझ पा रहे हो साथ के साथ आप उनकी आवश्यकताओं की भी समीक्षा यहाँ पर कर पा रहे हो मतलब हर एक चीज़ यहां पर कवर हो पा रही है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या होगा ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है अब ये सी कैसे करेक्ट हुआ देखो यहाँ पर बच्चे को भी हेल्प मिल जाएगी है ना प्रत्येक बच्चे के सीखने में गैप को समझा आपने और साथ ही साथ आप लोग क्या कर रहे हैं अपने खुद के तरीके जो हैं उनको फिर रिव्यू यहाँ पर कर पा रहे हैं अपनी टीचिंग को दैट मीन्स ये क्या है ऑप्शन नंबर सी होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग ऑफ लर्निंग मतलब जो बिल्कुल लास्ट में जहाँ पर डायरेक्टली आप बच्चों को क्या कर देते हैं फाइनल रिजल्ट दे देते हैं ठीक है वो एक फ़ाइनल एग्ज़ाम टाइप का होता है जिसमें अगर मान लो टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया है बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों को डायरेक्टली हमें क्या करना होता है रिजल्ट देना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ना एनुअल एग्जाम तो वो वाली जिसमें बच्चा या तो पास होगा तो अगली क्लास में चला जाएगा और फेल होगा तो उसी क्लास में रहेगा मतलब उसका एक पूरा एक साल बर्बाद होना या आगे बढ़ जाने वाली बात है तो वो क्या होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है ठीक है अभी यहाँ पर गैप को समझना सीखने की आवश्यकता और इन सब की बात की गई थी तो ये क्या कहलाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ पर कहलाएगा प्रोन्नति वाला कुछ नहीं होता है असिसमेंट फॉर प्रमोशन नहीं होता है कि उसको प्रमोट करने के लिए आप यहाँ पर कोई असेसमेंट कर रहे हो ठीक है ओके क्लियर है यहाँ पर अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ मूव कर जाते हैं किसके अनुसार मनुष्य अपनी विभिन्न शारीरिक आवश्यकताओं भावात्मक आवश्यकताओं संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होता है अकॉर्डिंग टू ब्लैंक ह्यूमन बींगस आर मोटिवेटेड टू वर्क देयर वेरियस फिजियोलॉजिकल नीड इमोशनल नीड एंड कम्युनेटिव नीड बहुत ही आसान सी चीज पूछ ली यहाँ पर देखो तो तीन चीजें इसने मेंशन कर दी इसको देखकर तो आपको बहुत जल्दी एक चीज याद आ गई होगी है ना कि फिजियोलॉजिकल नीड की बात किसने करिए अब लह मास ने करिए कि सबसे पहले शरीर को क्या होता है जो फिजियोलॉजिकल जो नीड होती है शारीरिक जो आवश्यकता होती है उसकी जरूरत पड़ती है मतलब रोटी कपड़ा मकान है ना पांच प्रकार बताए हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट देखे तो इसको कई तरीके से डिफाइन भी किया गया इसको दो टाइप भी बोला जाता है एक तो बेसिक नीड बोला जाता है और दूसरा होता है ग्रोथ नीड स्टार्टिंग की जो तीन होती है वो बेसिक होती है और उसके बाद जो ऊपर चलती है वो ग्रोथ होती है मतलब उसमें आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होने लग जाता है ठीक है चलो वैसे अभी हम लोग पांच प्रकार देख रहे हैं सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता होती है है ना शारीरिक आवश्यकता फिजियोलॉजिकल नीड उसके बाद हम लोग चाहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता दैट मीन्स सेफ्टी नीड जब सुरक्षा की आवश्यकता सेफ्टी हमारी कंप्लीट हो जाती है हमारे पास अच्छा सा रहने को घर हो थोड़ा बहुत पैसा हो जिससे हमारी लाइफ अच्छे से चल रही हो कोई समस्या नहीं हो जीवन में है ना तो वो सेफ्टी नीड हो गई उसके बाद हमें लगता है कि नहीं हमारे जीवन में परिवार रिश्ते नाते सब कुछ होना चाहिए इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्यार की आवश्यकता या फिर लव एंड बिलोंगिंग नीड जिसको बोला जाता है है ना यह प्यार और अपनेपन की आवश्यकता जब ये तीन आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाती है तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग चाहते हैं आत्मसम्मान कि सब लोग हमारा क्या करें सम्मान करें आत्मसम्मान से आप लोग जिये समाज में आपका एक पद हो है ना और फिर आ जाता है आत्मसिद्धि सबसे टॉप पर क्या होता है आत्मसिद्धि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो ये जीवन में हमें पांच चीजों की नीड होती है दैट्स वाई थ्योरी को नीड थ्योरी या फिर आवश्यकता का सिद्धांत यहाँ पर बोला जाता है क्लियर है जिसमें आपका फिजियोलॉजिकल नीड शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता आ गई इमोशनल नीड आपका प्यार अपनेपन की आवश्यकता आ गई है ना कॉग्नेटिव नीड में आपका आत्मसिद्धि आ गया तो ये पांचों आवश्यकताएं क्या हो गई आपकी नीड है मतलब ये चाहिए आपको जीवन में ठीक है जब तक आप शारीरिक पूरी नहीं करोगे तब तक आप सेफ्टी की तरफ जब आपके पास खाने को रोटी नहीं है, है ना तब तक आप सुरक्षा की तरफ कैसे जाओगे कि मुझे सेफ्टी होना चाहिए मैं जिस घर में रहूँ मतलब वहाँ ऐसा मतलब एक सेफ्टी रहे है ना कि जहां मुझे कोई नुकसान नहीं हो तो सबसे पहले यह आवश्यकता पूरी होगी फिर ये पूरी होगी फिर ये ऐसे आप यहाँ पर सीरियल वाइज चलते हैं बॉटम टू टॉप है ना इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच आप बोल सकते हैं तो ये थ्योरी क्या कहलाती है ये थ्योरी कहलाती है नीड थ्योरी चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन को देखेंगे आंसर करेंगे क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए इसका जैसे एक बार से इसको चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या होगा कमेंट करिए फटाफट से को हमारे जीवन में घटनाओं को निर्धारित करने के लिए करने वाले कारणों की डिग्री और स्थान के रूप में सबसे अच्छी तरीके से समझा जा सकता है किसको कैन बी बेस्ट अंडरस्टैंड कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज द डिग्री एंड लोकेशन ऑफ वॉट वी बिलीव दैट कोज दैट डिटरमाइन द इवेंट्स इन आर लाइफ हमारी जिंदगी में जितने भी इवेंट्स हुए हैं है ना उनको निर्धारित करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है किस शब्द के थ्रू इनको अच्छे से समझा जा सकता है लोकस ऑफ मोटिवेशन लेवल ऑफ इंस्पिरेशन लोकस ऑफ कंट्रोल या फिर लेवल ऑफ एटीट्यूड चलो क्या आंसर यहाँ पर होगा एलओसी का नाम आपने सुना होगा ये वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है यहाँ पर एल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ठीक है आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है अब इसको समझो आ, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं दो व्यक्ति हैं मतलब हमारी जिंदगी में हम खुद को कैसे कंसिप मान लो मेरी पर्सनालिटी को कोई जज करना चाहता है तो वो मेरे ऊपर एल लगा सकता है एल मतलब दैट मीन्स वो ये जानना चाहेगा कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया या मैं किसी लालच के लिए तो नहीं कर रही मान लो एक, एक टीचर है है ना वो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है ताकि उसको जो है अब बेस्ट टीचर की ट्रॉफ़ी मिले है ना एक टीचर है वो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है ताकि उसको एक ट्रॉफ़ी मिल जाए उसका एक अचीवमेंट हो जाए कि हाँ मैंने मेरे साल में जितने भी बच्चों को पढ़ाया सबके सब, सब फर्स्ट डिविज़न है ना सबका बहुत अच्छा स्कोर रहा है तो उसको एक ट्रॉफ़ी मिल गई बेस्ट टीचर अवार्ड मिल गया सर्टिफिकेट मिल गया और एक टीचर इसलिए पढ़ा रहा है जस्ट बिकॉज उसको खुशी मिलती है बच्चों को पढ़ाने में खुशी मिलती है और एक ये आप बोल सकते हैं कि वो हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट करता है उसके मन में कोई लालच नहीं है लालच इन सेंस कि वो हर एक बच्चे के लिए इक्वल है है ना ऐसा नहीं कि वो बच्चों को प्रेशराइज कर मतलब उसकी खुशी के लिए क्योंकि उसको खुशी मिलती है इसलिए वो बच्चों को पढ़ाता है उसका पैसों का किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं है ट्रॉफ़ी नहीं मिले तो भी चलेगा बस मुझे हर एक बच्चे को पढ़ाना है है ना तो एक क्या है खुद से सेटिस्फाई है और एक किसी लालच में अगर कार्य को कर रहा है तो बेसिकली जीवन में दो चीजें होती है एक जब आप अपनी हैप्पीनेस खुशी के लिए करते हो दूसरा जब आप किसी लालच में करते हैं तो इसे बोला जाता है अभिप्रेरणा का बिंदु पथ दैट मीन लोकस ऑफ मोटिवेशन ठीक है सॉरी लोकस ऑफ कंट्रोल सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा नियंत्रण का बिंदु पथ लोकस ऑफ कंट्रोल एल ओ सी ठीक है मोटिवेशन नहीं है ये इसमें ही दो प्रकार का होता है एक पॉजिटिव होता है मोटिवेशन तब आप सकारात्मक है है ना किसी भी चीज को लेकर आप कैसे हैं सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक तो नहीं बोल सकते बट एक किसी भी प्रकार का एक ग्रीड लालच हमारे मन में होता है ठीक है तो ये होता है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल ओके तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को देखिए आंसर करिए ट्वेल्व का आंसर यहाँ पर क्या करेक्ट हो सकता है देखा आपने क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर इसका देखो पूछा क्या गया है पारस्परिक अध्यापन की शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली किस चीज पर आधारित है है ना ऑन वॉट इज द पैडाकोजिक सिस्टम ऑफ म्यूचुअल टीचिंग बेस्ड म्यूचुअल टीचिंग जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है थ्योरी सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक उपागम सोशल कल्चर थ्योरी के ऊपर अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत के ऊपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ लर्निंग के ऊपर हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल डायमेंशन इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस चीज़ के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड होती है ठीक है तो पैडालोजिकल सिस्टम जो म्यूचुअल टीचिंग का होता है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा बिहेवियरिस्ट थ्योरी के ऊपर व्यवहारवादी सिद्धांत के ऊपर ये बेस्ड होता है ठीक है पारस्परिक अध्यापन मतलब दो चीजों को जोड़ते हुए या फिर कनेक्ट करते हुए अगर आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं जैसे एक कंडीशनिंग आपने करवा दी किसी भी चीज़ से तो ये सब क्या है म्यूचुअल ही है कि कंडीशनिंग के थ्रू आप पढ़ा रहे हैं कुछ रिवॉर्ड के थ्रू या किसी इंसेंटिव के थ्रू यदि आप पढ़ा रहे हैं तो ये सब की सब बातें व्यवहारवादियों ने करी है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा ठीक है क्लियर है इतना चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन को देखिए देखो बाकी ऑप्शन तो आपको बताइए सोशियो कल्चर मतलब समाज संस्कृति से कनेक्ट करते हुए आप उसका उस चीज़ों को पढ़ा रहे हैं मतलब आप बच्चे का क्या करें सोशलाइजेशन कर रहे हैं ठीक है तो इसमें पारस्परिक अध्यापन की बात नहीं होगी अधिगम मतलब के सूचना संप्रेषण मतलब आईसीटी के थ्रू आप रहे। रहे। पढ़ा रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं उसके थ्रू यदि आप पढ़ा रहे हैं ठीक है और हावर गार्डनर की थ्योरी आपको बताइए डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं बच्चा संगीत में तरीका होता है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है एक इंटेलिजेंस होता है बेसिकली इंटेलिजेंस की बात कर रहा है ठीक है या फिर तार्किक होगा मैथमेटिकल रीजनिंग हो सकती है है ना थर्टीन नंबर के क्वेश्चन को देखिए आंसर करिए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन का क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टीन कि इग्नोरिंग ऑफ द लर्निंग रेडीनेस वुड रिजल्ट इन अधिगम तत्परता की उपेक्षा मतलब एक वो रेडीनेस आपने थोंडाइक के नियम में तीन मुख्य नियम में एक आपने पढ़ा है तत्परता का नियम है ना रेडीनेस मतलब बच्चा खुद अंदर से रेडी होता है किसी भी कार्य को करने के लिए जैसे कि आप सुपर एक्साइटेड होंगे आज की क्लास के लिए तो ये आपकी लर्निंग रेडीनेस है आपके अंदर वो तत्परता है है ना कि नहीं आज मुझे सी डी पी पैडागोजी की क्लास यहाँ से मिलेगी मतलब आपके अंदर वो रेडीनेस थी है ना अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर किया मतलब आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं अधिगम को लेकर लर्निंग को लेकर वो तत्परता है ही नहीं तो उसकी वजह से आपका डेवलपमेंट होगा अगर आपने इसको उपेक्षा कर दी दैट मीन्स इग्नोर कर दिया अवॉइड कर दिया है ना तो ये आपको डेवलपमेंटल के तौर पर इससे आपका डेवलपमेंट होगा इससे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी इससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट सुधार होगा और इससे आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी मतलब क्वेश्चन कैसा है सबसे पहले तो ये समझो क्वेश्चन मेरा है नेगेटिव क्वेश्चन कैसा है नेगेटिव है क्योंकि इसने क्या पूछा लर्निंग रेडीनेस को जब आप इग्नोर करेंगे है ना मतलब आप कोई भी कार्य आपको कराया जा रहा है आपको इतनी क्लासेस दी जा रही है आप में सेल्फ स्टडी आप लोग कर रहे हैं लेकिन आपका मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने के अंदर कि नहीं यार मेरा मन नहीं है या फिर आप उस चीज़ को लेकर मेंटली प्रिपेयर नहीं है रेडी नहीं है है ना तो इसको यदि आपने अवॉइड किया तो आपके अंदर क्या आएगी फर्स्ट्रेशन आएगी आपके अंदर क्या आएगी निराश आएगी Means, आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा किसी भी कार्य को करने के लिए मतलब मेंटली प्रिपेयर रहो कि नहीं आज कुछ नया सीखेंगे आज कुछ अच्छा सीखेंगे तो अगर ऐसा नहीं करते हो इसको इग्नोर इसको अवॉइड करते हो तो इससे क्या आती है फर्स्ट्रेशन आती है ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए फोर्टीन के पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को देखेंगे आंसर करेंगे क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट है चलो इसको देखो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये केवीएस पी का ये क्वेश्चन है है ना ऑलमोस्ट सारे वही हैं लेकिन अभी एट प्रेजेंट थोड़े टाइम पहले पूछा गया क्वेश्चन है सीखने का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यवहार की शुरुआत कहाँ से कहाँ पर होती है और नए व्यवहार अनुभव के माध्यम से नए बंधनों के अधिग्रहण से उत्पन्न होते हैं इंग्लिश में देखना चाहें लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज दैट लर्निंग थ्योरी जो है अधिगम का जो या लर्निंग का जो सिद्धांत है सीखने के जो सिद्धांत है वो इस चीज़ पर जोर देते हैं एम्फेसाइज उस चीज़ को करते हैं दैट बिहेवियर बिगेन्स विथ व्यवहार की शुरुआत होती है मतलब दो तरीके से व्यवहार की शुरुआत होती है दैट न्यू बिहेवियर अराइज फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ न्यू बॉन्ड थ्रो एक्सपीरियंस मतलब जो नया व्यवहार है वो कहाँ से आएगा आपके एक्सपीरियंस से आएगा या पुराना जितना भी आपके पास चीज़ें रखी हुई है अनुभव बोल सकते हैं उसको उन बंधनों के अधिग्रहण से आएगा कौन सी दो चीज़ें वातानुकूलित सजगता और अवलोकन दैट मीन्स कंडीशनल रिफ्लेक्सेस और ऑब्जर्वेशन कंडीशनल रिफ्लेक्सेस और नेचुरल रिस्पॉन्सेज ऑब्जर्विंग और दूसरों को कॉपी करना नकल करना दूसरों को इमिटेट करना और इनसाइटनेस से क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है सीखने का सिद्धांत किस चीज के ऊपर यहाँ पर जोड़ देता है सीखने का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यवहार की शुरुआत कहां से होती है किन दो चीजों से होती है एक तो से होती है कि आपने से जितनी भी चीज़ें देखी ऑब्जर्व कर जो भी प्राकृतिक है हो रही है, उन दोनों के माध्यम से लर्निंग यहाँ पर क्या हो पाती है पॉसिबल हो पाती है तो वातानुकूलित प्रतिबिंब और प्राकृतिक प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना व्यवहार की शुरुआत कंडीशन रिफ्लेक्सेस से होती है और नेचुरल रिस्पॉन्स के माध्यम से आप जो भी है लर्निंग के पुराने जितने भी आपके एक्सपीरियंस हैं उनको लेते हैं और उनको ग्रहण करते हैं ठीक है आप एक बार और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना चाहें तो देख लीजिए सीखने का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है लर्निंग इस बात पर जोर देती है है ना लर्निंग थ्योरीज जो है व्यवहारवादियों की होगी तो वो किस चीज़ पर जोर देते हैं आप पुरानी चीज़ों को देखें है ना जो भी चीज़ें आपके अराउंड चल रही है आप उनको देखिए और उन्हीं के थ्रू आप क्या करिए उन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू आप नई चीज़ों को क्या करिए जनरेट करिए है ना

Uh, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो भी बच्चे चौदह वर्ष तक के हैं उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन आप प्रोवाइड करें ठीक है दूसरा ऑप्शन बोल रहा है जीरो से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है तीसरा बोल रहा है छह वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का नहीं है ये राज्य की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू फोर्टीन चलो अब इक्कीस एम में अगर आपने ये चीज़ पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट right होता है बच्चों का तो कौन से बच्चों का जीरो से चौदह है कि छः से चौदह तो हमारा ये नियम या कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी वन है क्या बोलता है छः से चौदह वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा क्या होता है एक मौलिक अधिकार होता है ठीक है तो सिक्स टू फोर्टीन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आप जीरो से चौदह नहीं बोल सकते जीरो से चौदह मतलब बच्चे को जन्म से लेकर चौदह साल तक के बच्चों को हमें पढ़ाना ही है उसमें कंडीशन है कि छः से चौदह छः से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है एक फंडामेंटल राइट right है ये कौन बोलता अधिगम okay? के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए अध्यापकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्य विधि किसका अंश है मेथोडोलॉजी यूज बाई टीचर टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट डिफिकल्टीज इन वेरियस एरियाज ऑफ़ लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ तो किसी भी बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है वो प्लेसमेंट असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव है वो क्लिनिकल है वो समेटिव है प्लेसमेंट तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं बच्चों को आगे कहीं प्लेसमेंट देना चाह रही हूँ या मैं चाह रही हूँ कि बच्चा मेरा कहीं आगे बढ़े तो अगर मैं किसी काइंड ऑफ टेस्ट यहाँ पर ले रही हूँ है ना उसके फ्यूचर से रिलेटेड जैसे कि प्रोग्रेसिव वाला होता है है ना तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ कि मैं प्लेसमेंट ले रही हूँ अभी मुझे उसकी जितनी भी डिफिकल्टीज है उनको आइडेंटिफाई करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ठीक है क्या ये फॉर्मेटिव हो सकता है नहीं स्पेसिफिक इस पे इसने बोला है कि वो किसकी बात कर रहा है कठिनाइयों की बात कर रहा है तो कठिनाइयों के लिए हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा इसको क्लिनिकल रिसर्च यहाँ एक क्लिनिकल असेसमेंट यहाँ पर बोला जाता है है ना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा समेटिव में आप बोल सकते हैं कि समेटिव में जस्ट लाइक फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है है ना पूरा मतलब सेशन के लास्ट में या पूरा एग्जाम के लास्ट में जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है उनको एक रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट कर दी जाती है, है ना कि क्या ग्रेड बना उनका कैसा परफॉर्मेंस था वो वाली चीज़ और फॉर्मेटिव यहाँ पर क्या होता है फॉर्मेटिव में हम लोग कैसे बोल सकते हैं थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल भर जब बच्चों का असेसमेंट किया जाता है उनको टाइम टू टाइम फीडबैक दिया जाता है जिसमें टीचर खुद को यहाँ पर चेक कर लेता है जैसे कि अभी हमने पढ़ा था असेसमेंट ऑफ

ंगल विषय वस्तु को पढ़ा लेने के बाद अध्यापक देखता है कि विद्यार्थी सक्रिय क्रिया पदों जैसे कि समीक्षा करना उसको एनालिसिस वो कर पा रहा है उसको क्रिटिसाइज कर पा रहा है और जज उस पर कर पा रहा है मतलब एक अपना डिसीजन ले पा रहा है मतलब टीचर ने पूरा पढ़ा दिया एक सब्जेक्ट कंटेंट को विषय वस्तु को उसके बाद उसने बच्चों को एनालिसिस किया तो उसने देखा कि बच्चे ये सारा काम कर पा रहे हैं तो ब्लूम के टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग बच्चा किस लेवल पर है क्या वो एनालिसिस लेवल पर है क्या वो सिंथेसिस लेवल पर है ये वो इवेल्यूएशन पर है वो एप्लीकेशन पर है देखो एनालिसिस का मतलब का होता है कि बच्चा जो है चीज़ों को एनालाइज यहाँ पर कर पा रहा है दैट मीन्स कि इसका क्या मीनिंग होगा मतलब उसने पूरी जो चीज़ें पढ़ी है उसको क्या कर रहा है कि हाँ इसका ये मीनिंग होता है मैं इसमें ये कर सकता हूँ मतलब एक दिमाग में अपना स्कीमा बनाना होता है ना पूरा उसका विश्लेषण कर रहा है सिंथेसाइज करना है संश्लेषण का मतलब क्या होता है जो भी चीज़ें उसने पढ़ी उसका उसने क्या कर लिया एक तरीके से सिंथेसाइज उसको कर लिया अपना खुद का एक ओवरऑल एक अपना बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया कि ये चीज़ इससे कनेक्टेड है एक सार हम लोग जो बोलते हैं ना वो वाली चीज़ एजुकेशन लेवल मतलब इवेल्यूएशन लेवल इवेल्यूएशन लेवल मतलब जस्ट एक किसकी बात हो रही है मूल्यांकन करने की बात हो रही है आ, बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है मूल्यांकन कर पा रहा है कि ये चीज़ कैसे है इसमें क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर कवर होंगे वो सारी चीज़ है ठीक है और फिर आता है एप्लीकेशन लेवल कि उसी से रिलेटेड बच्चा नई नई चीज़ों को अप्लाई कर पा रहा है दूसरी जगह जाकर उसको अप्लाई कर पा रहा है ठीक है तो अभी यहाँ पर समीक्षा करना आलोचना करना और फैसला लेने की बात हो रही थी मतलब बच्चा चीजों को यहाँ पर जज कर पा रहा है मूल्यांकन कर पा रहा है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें क्वेश्चन नंबर एटीन को देख लेते हैं एक बार से चेक करिए क्वेश्चन नंबर एटीन को क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होना चाहिए हाँ एक बार से पढ़िए इसको क्या आंसर करेक्ट होगा कक्षा आठ के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है मतलब कक्षा आठ के बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं तो मैं उन बच्चों को लेकर किस चीज़ के ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पब्लिकेशन ऑफ द बुक है ना कि आप ये चयन करना चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए साहित्य का चयन कि मैं बच्चों को किस चीज़ का मतलब वो किस चीज पढ़ाऊं कौन सी चीज यहाँ पर पढ़ाऊं है ना मतलब कक्षा आठ का बच्चा है उसको लिटरेचर लेवल का पढ़ाने का सोच रहे हैं तो कौन सी चीजें पढ़ाओगे है है ना मतलब बहुत जहां पर बहुत टफ टफ पर लैंग्वेज या ईजी ऐसे ऑप्शन किए हुए हैं तो बताइए क्या आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा पुस्तक के लिए प्रकाशन से संबंधित जानकारी बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता चिल्ड्रंस एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन या फिर uh, यदि हम लोग देखें तो बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता कि वो कैसे उस भाषा को प्रयोग कर पा रहा है और उसकी अभी एक नीड क्या है ना उसकी नीड यहाँ पर क्या है चलिए जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए देखो बहुत आसान सा है कि ऑप्शन नंबर वन को तो हम ध्यान नहीं देंगे कि जब मैं बच्चों का साहित्य का चयन कर रही हूँ तो उसका प्रकाशन किसने किया है कौन से पब्लिकेशन की बुक है है ना जैसे हम लोग देखते हैं ना एक्स वाई जेड पब्लिकेशन की ये बुक है इन्होंने ये बुक पब्लिश करी है, है ना तो पब्लिकेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे ठीक है तो ये फैक्टर नहीं होता है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता कौन सी है और उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ कौन सी है बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भाषा प्रयोग की क्षमता डेफिनेटली दोनों ही चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे फोकस करेंगे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता कि वो किस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं और उनकी अभी साइकोलॉजिकल नीड क्या है मतलब वो किस तरीके का जो लिटरेचर है वो समझ पाएंगे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हम लोग दे देंगे एक बेसिक लेवल का एट्थ क्लास का बच्चा है तो डेफिनेटली एक बेसिक लेवल का हमें उसको पढ़ाना पड़ेगा ना बहुत ज़्यादा एडवांस हम लोग लेकर जाएंगे उसके बाद क्योंकि जो लिटरेचर लेवल है बच्चा जब इलेवेंथ ट्वेल्थ में आता है तब थोड़ी उसको जानकारी दी जाती है है हाँ ना चलो क्वेश्चन नंबर 19 को देखो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आता है कौन सी अवस्था इसको कहा जाता है मतलब वो कोई भी डिसीजन लेगा बच्चा तो वो समाज के नियमों के अकॉर्डिंग लेगा मतलब समाज ने जो भी नियम बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग लेगा ये प्री कन्वेंशनल लेवल है ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ये जस्ट एक कन्वेंशनल लेवल है या फिर ये नॉन कन्वेंशनल लेवल यहाँ पर हो सकता है चलिए इसका आंसर बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए समझ पा रहे हो सबसे पहले तो कि क्वेश्चन क्या कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है समझ में आया देखो नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता में बड़... मतलब एक चीज आपको समझनी है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था के बारे में पूछा और अवस्था कौन सी जहाँ पर उसका कोई भी डिसीजन समाज के नियमों के दायरे में होगा है ना तो आप तीन लेवल आपने पढ़े हैं और छह स्टेजेस पढ़ी है सबसे पहले आपने प्री कन्वेंशनल लेवल पढ़ा है जिसमें दो स्टेजेस होती है फिर दूसरा लेवल आपका कन्वेंशनल लेवल होता है और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल होता है चलो एक बार आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख लो है ना ये प्री कन्वेंशनल इसके अंदर दो स्टेजेस फिर पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर दो और फिर पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर दो तो टोटल छ स्टेजेस और आपके तीन लेवल ठीक है सबसे पहला बच्चा क्या करता है पनिशमेंट अवॉइड करे मतलब कोई उसको डांटे नहीं पीटे नहीं मारे नहीं उसके लिए क्या करता है वो कार्य को करने की कोशिश करता है ठीक है दूसरा क्या करता है कि कार्य क्यों कर रहा है ताकि उसको एक लालच रहता है मन में कि हाँ कोई मेरी प्रशंसा करेगा कोई मेरी तारीफ करेगा दैट्स वाई वो कार्य को कंप्लीट करता है ठीक है आगे तीसरे पॉइंट की यदि हम लोग बात करें या थर्ड स्टेज की यदि हम लोग बात करें तो ये क्या कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है गुड बाय गुड गर्ल एटीट्यूड आपने मेरे लिए अच्छा करा मैं भी आपके लिए अच्छा करूँगा ठीक है लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ये क्या कर रहा है कानून और नियमों का सम्मान कर रहा है जो कि हमसे एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस में वो उससे पूछा गया था कन्वेंशनल लेवल यानी कि परम्परागत लेवल की बात हो रही है फिफ्थ स्टेज क्या होती है जस्टिस के लिए आप क्या करते हैं जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ मतलब अगर कोई भी नियम कानून आपको सही नहीं लग रहा है तो कानूनी तरीके से आप अपनी आवाज़ को जनता के सामने या दुनिया के सामने रखते हैं ठीक है अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं जमती जैसे कि हमने रैली निकाल ली या फिर हम लोग एक धरना पर बैठ गए कि नहीं इसको उठाइए ये ये मुद्दा सही नहीं है है ना वो वाली चीज़ है और सिक्सथ नंबर पर एक मॉरल डेवलपमेंट आ जाता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक मतलब एक वो हमारे मन में वो वाली चीजें आ जाती है आइडियलिज्म वाली है ना मॉरल डेवलपमेंट वाली ठीक है तो ये सिक्स होती है अभी आपसे क्या पूछा गया था समाज के नियमों के अकॉर्डिंग मतलब स्टेज फोर की बात हो रही है स्टेज फोर मतलब कन्वेंशनल लेवल कन्वेंशनल लेवल दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी की बात यहाँ पर करी जा रही है ठीक है इतना क्लियर है ओके तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चलिए एक बार से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर क्या होगा जिन पी के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार क्या होता है मतलब शुरुआती समय में बच्चे किस तरीके से सीखना पसंद करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड फिलोसॉफी ऑफ द जिन पी आजे अर्ली लाइफ फॉर्म्स द बेसिक ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग कैसे होगी आर्ट के थ्रू होगी एक्सप्रेशन के थ्रू ड्रामा के थ्रू या एंजॉयमेंट के थ्रू होती है कैसे होती है बच्चा चीज़ों को कैसे सीखता है ड्रामा के थ्रू मतलब ड्रामा इन द सेंस आप वो नाटक नहीं बोल सकते जो हम लोग कहीं जाकर देख रहे हैं या बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं तो वो नाटक नहीं जिस चीज़ों को हंसते खेलते एक दूसरे को देखते है ना हंसी मजाक में वो बच्चा जब चीज़ों को सीख जाता है तो वो सीखने का शुरुआती समय का बच्चे का तरीका होता है जिसमें बच्चा कई तरीके से चीज़ों को सीखता सीख सकता है जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस के थ्रू और ऐसी जो चीज़ें होती है वो सारा यदि हम लोग इसमें कंसीडर करें तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हाँ बच्चा जो शुरुआती समय में ड्रामा या नाटक के थ्रू चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है ओके तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लियर है इतना चलिए तो आज के सेशन को मैं यहीं ओवर करनी वैसे हमने टारगेट किया था थर्टी क्वेश्चन को करने का लेकिन मैं हर एक चीज़ को ट्राई करूँ मैं आपको डिटेल में समझाऊँ अब मुझे आप इसका फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा यदि हमें थोड़ी और स्पीड रखनी है तो हम लोग कल से थोड़ा और इसको स्पीड में कंप्लीट करेंगे और वन से लेकर ट्वेंटी में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है मैंशन आप ज़रूर से करेंगे कि नहीं ये फिर से समझना है मतलब कोई एक आपके कोई भी एक पॉइंट आपको लगा हो कि नहीं ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो मेंशन कर दीजिएगा नेक्स्ट सेशन के लास्ट में एक फाइव मिनट सेशन हम लोग रखेंगे जिसमें प्रीवियस के जो डाउट है है ना वैसे आई थिंक होंगे नहीं हर एक चीज़ को आज ट्राई किया मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने का बट फिर भी आपको लगता है मैंशन करिएगा फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा ओके चलिए सेशन करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में थैंक्स फॉर वॉचिंग